चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा आला मयार के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे ने पाकिस्तान में तवानाई और बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा इक्तिसादी, समाजी और सकाफती शोबों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की को सराहते हैं। चीन का दौरा करने वाले दुनिया के पहले रहनुमाओं में से एक हूँ। चीनी सदर हम मनसब और चीनी क़यादत से बातचीत का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से चीन के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा होगा। तोशाखाना रेफरेंस, इमरान खान की नाहली के खिलाफ दरख्वास्त, मियांवाली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मौतल करने की इस्तदा मुस्तरद, अदालत के रिमार्क्स, कहा फैसला मौतल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन से रोक देते हैं। फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी के मुकदमात, इमरान खान की जमानत में 10 नवंबर तक तौसी, इमरान खान की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त हुई मंजूर। भारतीय रियासत गुजरात में 140 साल पुराना पुल दरिया में जा गिरा, 140 से ज्यादा अफराद जान से गए, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल, मुतादद लापता है। हादसे के वक्त पुल पर 500 से ज्यादा अफराद सवार थे, इमदादी कार्रवाइयां जारी। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से तबाही, अमवात की तादाद 100 हो गई, मकानात बह गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, हजारों अफराद बेघर हो गए। और ट्विटर पर ब्लू टिक चाहिए तो $20 महाना फीस अदा करनी होगी। एलन मस्क की ट्विटर पर तब्दीलियां, अगर फीस ना भरी तो सार्फिन को अपने तस्दीक शुदा बैच से महरूम होना पड़ेगा।